तो सूरज क्या है? सूरज कोई ग्रह नहीं है बल्कि एक चमकता हुआ तारा है। आगे की सूरज जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम के संघनित गैसों का एक गोला है। ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम के संघनित गैस होता है, उस गैस का एक गोला है जिसके वजह से हम लोग को जो प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है। सूरज की उम्र लगभग जो अनुमान लगाया गया वो 4.5 अरब जो है इसका अनुमानित उम्र है। अगला सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा माना जाता है। सौर में पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अगर ये पूरा सूरज है तो पृथ्वी एक छोटा सा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। लगभग 13 लाख पृथ्वी जैसे ग्रह समा सकता है, यानी सूरज में लगभग 13 लाख पृथ्वी को उसमें हम ऐड कर सकते हैं, इतना बड़ा है सूरज। अभी देखते हैं और सूर्य की औसत दूरी जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। अभी हम आपको बता दें कि फिर भी सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है, 8 मिनट इसके रोशनी को आने में ही लग जाता है। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि सूरज कितना दूर है। सूरज के केंद्र का तापमान जो है, ये केंद्र है, इस केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। आगे देख लेते हैं कि आदित्य L1 जो है सूरज का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा, जो 2 सितंबर 2023 को सुबह 11 बजे से लॉन्चिंग हुआ है। और ये भी देखा जा रहा है कि सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा, इतना आशा भारतवासियों का है। तो अभी हम जाने हैं आदित्य L1 से रिलेटेड होकर के सूर्य के बारे में, सूर्य क्या है नहीं है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।